अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आर्ट एंड एजुकेशन। और मैंने आप लोगों को फर्स्ट वीडियो में लाइन कॉन्सेप्ट बता दिया था और ए अल्फ़ाबेट बनाना भी सिखा दिया था, फिर बी भी सिखा दिया था। और आज जो हम अल्फ़ाबेट सीखेंगे वो हमारा थर्ड अल्फ़ाबेट है सी, ठीक है। और उसके लिए हमारे को कोई लाइन कॉन्सेप्ट की ज़रूरत नहीं होगी, उसमें सिर्फ हमें कर्व जो मैंने आप लोगों को सिखाया था कि कर्व की ज़रूरत पड़ेगी हमें, सिर्फ ये जो हमने बताया था लेफ्ट हैंड कर्व एंड राइट हैंड कर्व, लेफ्ट हैंड कर्व एंड राइट हैंड कर्व, ठीक है गाइस। अच्छा, आप जो हमारा सी आज हम बनाएंगे गाइस, वो भी हम थ्री लाइंस में ही बनाएंगे, 1 2 3, और फोर लाइन जो है हम वो छोड़ देंगे, फोर लाइन पे नहीं आएगा सी हमारा। अब देखिए हम कैसे बनाएंगे, यहाँ पे हमने एक छोटा सा डॉट बना के इस तरह यूँ करा और फिर थ्री लाइंस में कंप्लीट हो गए, ये हमारा क्या बन गया सी, ठीक है। ये देखिए हमारा ये राइट हैंड वाला कर्व बन रहा है और ये लेफ्ट हैंड वाला कर्व, हमने पहले डॉट डाला थोड़ा सा छोटा सा और फिर हमने इस डॉट से स्टार्ट करा और यहाँ पे फिनिश कर दी। 1 2 3, थ्री लाइंस में आएगा। मैंने आप लोगों के लिए इंग्लिश की कॉपी ली है ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, वैसे तो मैं उस पर भी आप लोगों को फोर लाइंस ड्रॉ करके दिखा देती थी, लेकिन मैंने फोर लाइंस की कॉपी ली है ताकि मैं आप लोगों को अच्छे से समझा सकूँ और आप लोग अपने बच्चों को समझा सकें। देख ली, फिर दोबारा स्टार्ट करते हैं। मैं अगेन प्रैक्टिस, पहले डॉट बनाया और फिर डॉट से स्टार्ट करके हमने यहाँ पे फिनिश कर दिया। हम इस जो ये सी बना रहे हैं ना, इस पे हम लोग को पेंसिल रोकनी नहीं है वरना हमारे आरा टेढ़ा बन जाएगा। पहले हमने डॉट डाला, डॉट से हमने स्टार्ट करा और बस पेन को चलाते रहे चलाते रहे चलाते रहे, फिनिश। ये जो हमारा, आप अपने बच्चों को खुद बताइएगा, जो हमारा डॉट है ना, इस डॉट पर ही ये लाइन भी ख़त्म होनी चाहिए, हमारा ये जो कर्व है ना ये हमारा फिनिश होना चाहिए यहाँ पे भी। और आज हम सेकंड वर्ड फोर्थ वर्ड भी सीखेंगे अल्फ़ाबेट। सो गाइस, अब हमारा फोर अल्फ़ाबेट है, फोर्थ अल्फ़ाबेट जो है वो हमारा है डी। आज हम डी बनाना भी सीखेंगे, ठीक है। डी भी बहुत सिंपल है, जैसे हमने सी बनाया ना वैसे ही हमारा डी भी है। देखें आप लोग, पहले हम लोगों ने वर्टिकल लाइन यूज़ करी, ये हमारी कौन सी लाइन थी, वर्टिकल लाइन, और इसका सेकंड नेम कौन सा था, स्टैंडिंग लाइन। ये वर्टिकल लाइन पहले हमने बनाई और फिर हमने ये लेफ्ट हैंड वाला जो कर्व है ना वो बना दिया, ठीक है। पहले हमने बनाई वर्टिकल लाइन और फिर लेफ्ट हैंड वाला कर्व बना दिया, पहले बनाई वर्टिकल लाइन फिर लेफ्ट हैंड वाला कर्व बना दिया, ठीक है। यानी कि जब हम सी बना रहे हैं उसमें हमारा राइट हैंड कर्व यूज़ हो रहा है और जब हम डी बना रहे थे उसमें हमारा लेफ्ट हैंड वाला कर्व यूज़ हो रहा है। आप लोग देख सकते हैं, पहले हमने वर्टिकल लाइन बनाई और फिर लेफ्ट हैंड वाला कर्व बना दिया। और ये भी डी भी हमारी थ्री लाइंस में ही बनेगा, फोर लाइंस में नहीं जाएगा। अगेन प्रैक्टिस, अगेन प्रैक्टिस। डॉट है ये हमारा, डॉट से हमने स्टार्ट करा कर्व बनाना, ये हमारा सी बन गया और फिर हमने वर्टिकल लाइन बनाई और फिर हमने लेफ्ट हैंड वाला कर्व बना दिया। तो उम्मीद करती हूँ गाइस आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। प्लीज़ कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी। और जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कर दीजिए मेरा चैनल और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी वीडियो टाइम पर मिलती रहे। तो मैं इजाज़त लेती हूँ, अल्लाह हाफिज़।